Hey everyone, welcome to Biology Tees. आज के वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ 6 month स्ट्रेटेजी टू क्रैक नीट 2021. नीट 2021 दे रहे बच्चे दो कैटेगरीज में आते हैं. पहला तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इस साल क्लास 12th में हैं, 2021 में क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम भी देंगे और उसी के साथ नीट 2021 में फर्स्ट टाइम अपेयर होंगे. दूसरे आते हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो कि नीट 2020 का एग्जाम भी देंगे और किसी वजह से अगर उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है तो 2021 में वो रीअपेयर करेंगे, यानी कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स. आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप सभी का टारगेट एक ही है कि आपको नीट 2021 क्रैक करना है. स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक चीज मैं बहुत क्लियर आप सभी को करना चाहती हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस में मैं आप सभी को बस डायरेक्शन दे सकती हूँ, एक राइट पाथ बता सकती हूँ कि इस पाथ को फॉलो करते हुए आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स तो आपको ही पुट करने हैं. ऐसा नहीं कि मेरी वीडियोस देखकर आपने बस टिप्स सुन लिए और आपको लगा ठीक है थोड़ा बहुत मोटिवेट हो गया चलेगा. एफर्ट्स तो आपको ही पुट करने पड़ेंगे क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर ड्रीम. तो ड्रीम आपका है, सपना आपका है, तो एफर्ट्स भी आपके ही होंगे. आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराना मेरा काम है, लेकिन उस डायरेक्शन पर चलना सिर्फ आपका ही काम है, ठीक है? अब मैं इस वीडियो में आप सभी को 6 पावरफुल टिप्स बताने वाली हूं जिसकी वजह से 6 मंथ्स में आप अपना नीट 2021 का एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं. पहली चीज, फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड अवॉइड मल्टीपल रेफरेंस बुक्स. नीट के प्रेपरेशन के लिए जब भी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, चाहे वो कितने महीने की स्ट्रेटेजी वीडियो क्यों ना है, 5 months, 6 months, 10 days, 15 days, कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो है, हमेशा एक चीज तो कॉमन रहेगी कि आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना ही करना है. फिजिक्स में मान सकते हैं कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, तो ठीक है फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, उसको डायरेक्टली रेफरेंस बुक से कर लेंगे. लेकिन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से रीड करना बहुत जरूरी है. एनसीईआरटी पढ़ते हुए आपको एनसीईआरटी की लाइन समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बस रीडिंग पार्ट एनसीईआरटी से कर लीजिए और समझने वाला पार्ट आप रेफरेंस बुक से कर लीजिए. मल्टीपल रेफरेंस बुक्स अवॉइड करिएगा. ऐसा नहीं कि मेरे पास एक रेफरेंस बुक है लेकिन मेरे फ्रेंड ने आज दूसरे पब्लिशर की रेफरेंस बुक खरीदी है, मैं भी ये खरीदूंगा. मल्टीपल रेफरेंस बुक्स खरीदेंगे तो फिर आप में ही कंफ्यूजन क्रिएट होती चली जाएगी. एक ही टॉपिक को डिफरेंट रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मन में डाउट आएंगे, थोड़ी बहुत लाइंस इस बुक में मिसिंग है, मैं इसको इस बुक से पढ़ता हूं, फिर इस बुक में कुछ मिसिंग है, मैं इसको तीसरी बुक से पढ़ता हूं. आपका ही टाइम वेस्ट होगा. मैक्सिमम 2 रेफरेंस बुक और साथ में एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है. हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक्स अपनी रेफरेंस बुक से भी समझना है तो उसे ऑनलाइन पढ़ लीजिए. आप इंटरनेट की हेल्प से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से पढ़ सकते हैं, तो प्लीज मल्टीपल रेफरेंस बुक से पढ़ना अवॉइड करिएगा. और एनसीईआरटी तो आपका फोकस होना ही होना चाहिए. तो टिप नंबर 1 कहती है फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड अवॉइड मल्टीपल रेफरेंस बुक्स. टिप नंबर टू कहती है अवॉइड शॉर्टकट्स. 6 months sufficient होते हैं नीट के एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए, तो ये वो टाइम नहीं है जब आपको शॉर्टकट्स अपनाने हैं. शॉर्टकट्स वाला टाइम वो तब आता है जब मैं 15 days, 20 days, 10 days प्रेपरेशन वीडियोस अपलोड करूंगी. और मेरी माने तो प्लीज ये नौबत मत आने दीजिएगा कि आपको मेरी 15-20 days प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियोस के भरोसे रहना पड़े, क्योंकि 6 months में आप आराम से नीट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं. तो अभी शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागना है, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक की इन डेप्थ स्टडी करनी है क्योंकि 6 महीने में आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अवॉइड शॉर्टकट्स और डेली टारगेट्स रखते हुए पढ़ना शुरू कर दीजिए. हर दिन का टारगेट रखिए. देखिए, रात को सोने से पहले एक टारगेट चार्ट बना दीजिए कि कल सुबह उठते ही मुझे ये सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, मेरा कल का ये सारा टारगेट होगा. एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट नहीं होना चाहिए, एक दिन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बस 2-3 टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए. तो टिप नंबर 2 कहती है अवॉइड शॉर्टकट्स एंड डेली टारगेट रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है. टिप नंबर थ्री कहती है प्रिपेयर योर माइंड. मेंटली प्रिपेयर्ड आपको होना पड़ेगा. इस दिमाग को बार बार समझाइए कि 6 महीने मतलब 6 महीने, इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास प्रिपरेशन के लिए. ये 6 महीने आपके गले में वो स्टेथोस्कोप, आपके पास वो व्हाइट कोट लेकर आ सकते हैं. ये 6 महीने आप सभी के नाम के आगे डॉक्टर बनाने का पहला स्टेप आपको दे सकते हैं. तो ये 6 महीने अगर अच्छे से यूटिलाइज करें तो जिंदगी बदल सकती है. ये 6 महीने अगर अच्छे से यूटिलाइज करें तो आपका करियर संवर सकता है. तो यही चीज अपने माइंड को बार बार रिमाइंड कराते जानी है. प्रिपेयर योर माइंड, बी मेंटली प्रिपेयर टू क्रैक नीट विद इन दिस 6 months प्रिपरेशन. टिप नंबर 4 कहती है डीलिंग विद डाउट्स.
जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और हम किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो हम बार बार क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते रहते हैं कि अब आंसर निकलेगा, अब आंसर निकलेगा, और जब आंसर नहीं निकलता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हमें वापस से उस टॉपिक को पढ़ने का मन भी नहीं करता है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं तो आप डाउट क्लियरिंग एप्स की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन ऐप ऑन प्ले स्टोर कॉल्ड कुंडूस, जिसमें क्या होता है, आप ऐप को डाउनलोड करिए, उस ऐप के कैमरे के थ्रू अपने डाउट की पिक्चर क्लिक करिए एंड विद इन 15 टू 30 मिनट्स यू विल गेट द आंसर ऑफ योर डाउट। तो इस तरीके से डाउट क्लियरिंग एप्स को भी आप यूज कर सकते हैं। कुंडूस ऐप में आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। पहले 3 क्वेश्चंस आप फ्री में पूछ सकते हैं उस ऐप के थ्रू और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस ऐप का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इंस्टेंटली डाउट्स क्लियर करने के लिए आप डाउट क्लियरिंग एप्स की हेल्प लीजिए। टिप नंबर फाइव कहती है, मेक बायोलॉजी सुपर स्ट्रॉन्ग। बायोलॉजी में मिनिमम 320 नंबर स्कोर करना तो हर एक बच्चे का टारगेट होना चाहिए। चाहे आप अपने स्कूल में टॉपर रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, 320 नंबर तो हर किसी को लाने ही लाने हैं एंड 6 मंथ्स सफिशिएंट है 320 नंबर लाने के। 320 से ऊपर टारगेट रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 320 तो आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। बायोलॉजी को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट, एनसीईआरटी के डायग्राम्स एग्जांपल सफिशिएंट, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट, बस इतना ही काफी है बायोलॉजी में 320 मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप साइड बाई साइड पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन बायोलॉजी में 320 नंबर मिनिमम टारगेट होना चाहिए आप सभी का। माय टिप नंबर 5 सेज, मेक बायोलॉजी सुपर स्ट्रॉन्ग एंड योर मिनिमम टारगेट शुड बी टू स्कोर 320 मार्क्स इन बायोलॉजी। टिप नंबर 6 और लास्ट टिप कहती है, वीकली रिविजन एंड इवेल्युएशन। पूरे हफ्ते आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, एक दिन डिसाइड कर लीजिए। सपोज आप संडे डिसाइड करते हैं कि जिस दिन आप पूरे 6 दिन पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा था उस चीज को रिवाइज करेंगे और इवेल्युएट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है आपको कितना उसमें से आता है। तो पूरे हफ्ते भर आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े, सपोज एक हफ्ते में आपका हर सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो संडे में आप उस एक पर्टिकुलर चैप्टर के नीट के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे कि पूरे हफ्ते भर मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, उसका क्विक रिविजन करेंगे। इस तरीके से पुराना पढ़ावा आप भूल नहीं पाएंगे और आपका इवेल्युएशन और रिविजन एक साथ चलता रहेगा। तो यही 6 पावरफुल टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं और नीट 2021 पक्के से आपका। तो फटाफट से जान लेते हैं क्या है वो 6 पावरफुल टिप्स। पहली चीज, फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड अवॉइड मल्टीपल रेफरेंस बुक्स। दूसरी चीज, अवॉइड शॉर्टकट्स, डेली के टारगेट्स रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। तीसरी चीज, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि 6 महीना आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चौथी चीज, इंस्टेंट डाउट क्लियर आपको करना है, जिसके लिए आप डाउट क्लियरिंग एप्स की भी हेल्प ले सकते हैं। पांचवी चीज, बायोलॉजी को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है और मिनिमम 320 नंबर स्कोर करना तो आपका टारगेट होना चाहिए। और छठवीं और आखिरी चीज कहती है कि आपको वीकली रिविजन एंड इवेल्युएशन करना है। तो यही 6 टिप्स है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि 6 महीने की प्रिपरेशन से आप नीट 2021 आराम से क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना एक टारगेट स्कोर कमेंट करें। आप सभी का क्या टारगेट स्कोर है नीट का, कि मुझे नीट में 600 प्लस स्कोर करने हैं, मुझे नीट में 550 प्लस स्कोर करने हैं, मुझे नीट में 640 प्लस स्कोर करने हैं। अपना टारगेट स्कोर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और अपने ही कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे 6 महीने जब भी आपका पढ़ाई करने का मन न करे या फिर आपको ऐसा लगे कि नेगेटिव इमोशन से आप भर चुके हैं, उस टाइम पर उस स्क्रीनशॉट को खोलेगा और खुद को याद करवाइएगा कि ये मेरा टारगेट है, मुझे प्रिपरेशन करनी ही है ताकि मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूं। प्लीज कमेंट डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो योर नीट टारगेट स्कोर। सपोज आपका नीट टारगेट स्कोर है 620 प्लस, तो आप लिखेंगे आई विल स्कोर 620 प्लस इन नीट 2021, या फिर आई विल स्कोर 600 प्लस इन नीट 2021, आई विल स्कोर 650 प्लस इन नीट 2021। जो भी आपको लगता है आपका नीट 2021 का स्कोर है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम स्कोरिंग 600 प्लस इन नीट 2021। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।